वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 12 क्लास के केमिस्ट्री के सेकेंड यूनिट सॉल्यूशन चैप्टर में रॉल्ट्स लॉ के बारे में बताने जा रहा हूँ। रॉल्ट्स लॉ सॉल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रॉल्ट्स लॉ एक्चुअल में दो वोलेटाइल लिक्विड के लिए दिया गया है, यानी कि कोई सॉल्यूशन है, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, इसमें दो वोलेटाइल लिक्विड है। ये मैंने इससे पहला लिक्विड बनाया है, ये इसमें दूसरा लिक्विड ब्लैक से बना दे रहा हूं। दो लिक्विड का सॉल्यूशन है। अब इसको चूंकि ये वोलेटाइल है तो दोनों का वेपर इसमें आ जाएगा, कुछ इसका भी वेपर रहेगा और कुछ जो ब्लू वाला लिक्विड है उसका भी वेपर रहेगा। ओके, इसको हमने ऊपर से पैक कर दिया। जैसे ही इसको पैक करेंगे तो जहां भी गैस होता है, गैस के मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं तो प्रेशर ऑक्यूपाई करेगा। तो दो लिक्विड का ये सॉल्यूशन है, दोनों लिक्विड वोलेटाइल है, तो वोलेटाइल होने के कारण ये दोनों लिक्विड क्या करेगा, वेपर बनाएगा और ये वेपर प्रेशर डालेगा। तो इसी प्रेशर के बारे में रॉल्ट्स लॉ है। रॉल्ट्स लॉ क्या है, तो सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड के वेपर प्रेशर के बारे में है। ओके, सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, इसमें दो लिक्विड है, मान लिए ये ब्लैक वाला बी है या ए है, ब्लैक वाला ए है, कम अमाउंट में है या ज्यादा अमाउंट में जो, और ये ब्लू वाला मान लिए बी है। दो तरह का वोलेटाइल लिक्विड है और दोनों का वेपर इसमें है, तो उसका प्रेशर क्या होगा, तो उसमें दोनों का अलग अलग प्रेशर हम स्टडी करेंगे। ए का अपना प्रेशर जो होगा वो ए का पार्शियल प्रेशर कहलाएगा, बी के कारण जो इसमें प्रेशर होगा वो बी का पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। तो रॉल्ट्स लॉ यही बतलाए थे कि दो वोलेटाइल लिक्विड का अगर सॉल्यूशन है या मिक्सचर है तो उसमें उसके वेपर के कारण जो वेपर प्रेशर होगा वो किसी एक लिक्विड का अगर हम पार्शियल प्रेशर देखेंगे, वही वेपर प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। सिंपल सा बात है, ए को थोड़ा सा इसमें मिलाए हैं तो उसका प्रेशर, और इसमें उससे ज्यादा मिला देंगे तो उसका प्रेशर, तो ज्यादा मिलाने पर ज्यादा वेपर बनेगा और ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, सपोज कीजिए कि यहां पे दो चीज का सॉल्यूशन है, एक आप एक जनरल एग्जांपल ही ले ले रहा हूं, जैसे यहां पे अगर हमने मिला लिया क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म ब्लैक वाला है और ब्लू वाला हम मान लिए डाइक्लोरोमीथेन है। सिंपल एग्जांपल है डाइक्लोरोमीथेन, दोनों को मिक्स किया गया है। ठीक है, तो अगर ये क्लोरोफॉर्म इनिशियली, इसमें क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन, सपोज कीजिए क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन जो है इनिशियली, हम इसी की बात कर रहे हैं ब्लैक वाले की, मोल फ्रैक्शन इसमें क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन ऐसे हम लोग देते हैं ए का, अगर इसमें 0.2 है तो उस केस में जो प्रेशर होगा ए का, मतलब इसका प्रेशर जो इसमें बनेगा, अगर मान लिए प्रेशर P है तो अगर इसके मोल फ्रैक्शन को हम 0.4 कर दे रहे हैं, यानी कि 2 times कर दे रहे हैं, तो उसका पार्शियल प्रेशर भी 2 times यानी कि 2P हो जाएगा। ठीक है, इसका मोल फ्रैक्शन जितना टाइम्स करेंगे उसका पार्शियल प्रेशर भी उतना टाइम बढ़ जाएगा। यही रॉल्ट्स लॉ था। इसको मैथमेटिकली अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है,
यानी कि ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको अगर प्रेशर को लिखेंगे तो पी ए हो जाएगा, ए के कारण जो पार्शियल प्रेशर वो पी ए, प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी कि काई ए, ये काई होता है एक्स जैसा लिख देते हैं हम लोग, ठीक। अब इसको इक्वल अगर करेंगे तो पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू होगा तो कोई कांस्टेंट लगेगा, एक्स ए के साथ कोई कांस्टेंट को इनटू करना होगा। यहां पे जो कांस्टेंट लगता है वो पी ए का नॉट होता है, यानी कि अकेले जब अकेले अगर ए इसमें रहता तो जो पार्शियल जो इसका प्रेशर होता अकेले ए यानी कि क्लोरोफॉर्म अगर रहता तो उस समय जो इसका प्रेशर होता उसी से इंटू कर देते हैं मोल फ्रैक्शन में तो इसका पार्शियल प्रेशर मिल जाता है। देखिए रॉल्ट्स लॉ हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस है। हेनरी लॉ में क्या है, हेनरी लॉ में हम लोग को पढ़ना था पी ए इक्वल टू के एच एक्स ए, देख लीजिए ये हेनरी लॉ है। तो हेनरी लॉ में क्या था, कांस्टेंट जो था वो के एच था और यहां पी ए है। हेनरी लॉ जनरल गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन के लिए है और यहां पे दो वोलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन है। तो हेनरी लॉ का स्पेशल केस आ जाता है क्या, रॉल्ट्स लॉ स्पेशल केस, जब दो वोलेटाइल लिक्विड के लिए हो तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, रॉल्ट्स लॉ अप्लाई करते हैं, और सिर्फ गैस में लिक्विड का हो तो उसके लिए हम हेनरी लॉ, हेनरी लॉ में हेनरी कांस्टेंट और रॉल्ट्स लॉ में प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट के फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर होता है दैट इज योर कांस्टेंट, ओके। इस हेनरी लॉ को मैं हटा दे रहा हूं यहां से। अब आ गए कि पी ए जो है वो इक्वल टू हो गया पी ए नॉट काई ए। उसी तरह से अगर हम बी का पार्शियल प्रेशर इसमें कैलकुलेट करें तो सेम वे में क्या हो जाएगा, पी बी जो होगा पी बी ये हो जाएगा ऐसे ही, पहले दो लाइन में लिख दे रहा हूं, पी बी प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और पी बी इक्वल टू हो जाएगा पी बी नॉट, मतलब अकेले बी रहता तो उसका जो प्रेशर होता वो इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ये दो आपको पी ए और पी बी मिल गया। अब एक डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है जो कि बहुत सिंपल सा बात है, इसका टोटल प्रेशर कितना होगा, ए के कारण प्रेशर, बी के कारण प्रेशर, मतलब जो जो उसमें गैस है सबके कारण अलग अलग प्रेशर होगा, उसको जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर मिल जाएगा। तो टोटल प्रेशर जो होता है सारे गैस के प्रेशर को ऐड कर देंगे, किसी डब्बा में जितना भी गैस है सभी गैस के प्रेशर को ऐड कर देंगे तो टोटल गैस का प्रेशर मिल जाएगा, एकदम सिंपल सी बात है। तो वही डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पी टोटल, टोटल प्रेशर जो हो जाएगा, टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर मिल जाएगा। यानी कि पी टोटल यहां पे लिख दे रहे हैं, पी टोटल प्रेशर के जगह पे पी टोटल पी टी लिख दिए इक्वल टू पी ए के जगह पे क्या हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए, यहां पे पी ए के जगह पे पी ए नॉट एक्स ए, पी ए नॉट काई ए, और पी बी के जगह पे वैसे ही पी बी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ओके। अब आपको मोल फ्रैक्शन के बारे में याद होगा कि ए और बी का जो मोल फ्रैक्शन है दोनों का सम वन होता है, ये याद रख, ये मोल फ्रैक्शन में हम लोग को पढ़ना है कि दो कंपोनेंट अगर है तो एक्स ए
प्लस काई ए होता है काई बी इजकल टू वन, यानी कि अगर काई बी निकालना है चाहे ए निकालना है कोई भी, तो काई ए इजकल टू क्या हो जाएगा वन माइनस काई बी इजकल टू वन माइनस काई ए। तो इस तरह से अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को हटा दे तो हमारा आ जाएगा पी टी टोटल प्रेशर इजकल टू पी नॉट ए काई ए प्लस यहां पे पी नॉट बी वन माइनस काई ए। अब आप देख सकते हैं कि इसमें अगर ये तीनों प्रेशर आपको पता है टोटल प्रेशर और ए सोलवेंट ए के का प्रेशर सोलवेंट बी का प्रेशर ये दिया हुआ रहेगा तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल सकते हैं। तो रॉल्ट्स लॉ एक तो बताया कि पार्शियल प्रेशर कैसे निकलेगा, और दूसरा अगर पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन भी इसके थ्रू निकाल सकते हैं। प्योर सोलवेंट ए का प्रेशर प्योर सोलवेंट के फॉर्म में बी का प्रेशर और टोटल प्रेशर पता है तो उससे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल सकते हैं, और फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकल गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इससे मोल फ्रैक्शन भी निकालने का फॉर्मूला एराइज होता है। इसको अगर और एक्सटेंड करना चाहे तो ये और एक्सटेंड हो सकता है पी टोटल ये पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी काई ए, ये दोनों आ जाएगा एक में और ये अलग आ जाएगा। इसको इधर ला दे रहा हूं, इसे हटाना पड़ेगा। यहां पे पी नॉट बी को इधर ला दे रहा हूं, पी टोटल माइनस पी नॉट बी इजकल टू यहां देखिए पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स ए, एक्स ए को कॉमन ले ले रहा हूं, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए, एक्स ए इस दोनों में से कॉमन हो गया, इसको हमने इधर कर दिया और इस दोनों में से एक्स ए कॉमन ले लिया। इसके बाद आप अगर एक्स ए को निकालना चाहेंगे यानी कि काई ए सॉरी, तो इसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो क्या आ जाएगा पी टोटल माइनस पी बी नॉट बाय पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। इस तरह से पी ए नॉट पी बी नॉट और पी टोटल पता हो तो एक्स ए निकल जाएगा, और एक्स ए निकल गया तो वन माइनस कर देंगे तो एक्स बी निकल जाएगा। इस तरह से मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं, और मोल फ्रैक्शन अगर निकल गया तो पार्शियल प्रेशर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पार्शियल प्रेशर इजकल टू क्या होता है पी ए नॉट इंटू एक्स ए। इसका मोल फ्रैक्शन पता हो गया तो पी बी इजकल टू पी बी नॉट इंटू एक्स ए। इस तरह से रॉल्ट्स लॉ में पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना इतना हुआ। एक्चुअल में रॉल्ट्स लॉ क्या है, स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ है जिसमें आपको दो वोलेटाइल लिक्विड के बारे में स्टडी करना है। इसमें जो कांस्टेंट होता है हेनरी कांस्टेंट हेनरी लॉ में, और इसमें प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट के फॉर्म में यूज होता है। रॉल्ट्स लॉ में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।